उसके अपने इश्यूज़ हैं, वो आके क्लियर करेगी। यूएसए आई है वो, अभी दुबई में है। आई किसके लिए? आपके लिए। मैं किसके लिए आई हूँ? आपके लिए आई हूँ। उसके इश्यूज़ हैं, क्लियर करेगी। मैं थोड़ी देर साइड पे जा रही हूँ। बी इधर आओ, अपना फ़ोन दो, मैं ज़रा जीजू से बात करती हूँ, मैं ज़रा अपने भाई से बात करूँ। हेलो ब्रो, ये पहनो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए ना, मुझसे बात करनी है। बोल। हाँ जी, मुझसे बात करनी। हाँ जी। स्माइल क्यों दे रहे हो? मैंने बोलिए ना प्लीज। बीजी। आपको पता है मैंने आपको क्यों ब्लॉक किया है? एक बार बोल लीजिए ना सबके सामने। कोई बात नहीं है, मैं इतने दूर से आई आपके लिए और एलिया के लिए, ठीक है? ये बात आपको भी पता है, उसको भी पता है, बाकी सबको भी पता है। मैं आई, मैंने कितने बार बोला सुरेश, रियाज आ रही है? ओके सुरेश, टिकट कहाँ से ख़रीदनी है? आपने बोला टेंशन मत लो, टिकट है, हो गया है। फिर मैंने बोला एक सेकंड मैं कॉमन ऑफ करता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती हूँ कॉमन से। कॉमन कैसे ऑफ करते हैं? सेटिंग पे जाकर करो और सेटिंग पे जाके ऑफ करते हैं। मॉड है यहाँ पे, कॉमन ऑफ करो प्लीज, मुझे नहीं आता। एलिया कॉमन ऑफ करो प्लीज, नहीं पता कैसे करते हैं, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना, पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर देती हूँ कमेंट्स ऑफ, मैं कर रही हूँ गाइस, रुको, कमेंट ऑफ कर रही हूँ। सब्सक्राइबर्स कोई बात नहीं, सही, ठीक है। हाँ कर सकिए, चलो ठीक है। हाय, तो आप लोगों का मसला है, मैं मेरा बोलूँगी। मेरा मसला आप दोनों से रिलेटेड नहीं है, आपसे और एलिया से। मैं, मेरी शिकायत एलिया से भी है और मैंने उसको बोला भी है और मैं उसको बोलूँगी भी कि मैं इतने दूर आप दोनों के लिए आई थी। उसको तो मैंने उसके बातें कि मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको भी बोल दूँगी। मैंने आपको भी बोला कि मैं मैसेज करके कि जाने से पहले मुझे आपसे बात करनी है। तो बात यह है कि मैंने अब कितने बार बोला सुरेश टिकट का बोल दो, मैं ख़रीदता हूँ। आपने बोला नहीं वीआईपी टिकट आप लोगों के लिए होगा, आप टेंशन मत लो, ये वो ये सब बातें, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ पे आई और जब शो पे मैं आया तो वहाँ पे सबने बहुत इज्जत दी, जो लोग जो अलवेश की फैमिली वहाँ काम करती थी, जो भी। सबसे पहले चीज़ जो मेरे साथ हुआ, गाड़ी से निकली तो सबसे पहले तो मुझे मैसेज आया था पुरुषोत्तम से, ठीक है, कि भी इन लोगों को 11 बजे रेडी रखना, अम्मी को, एलिया को और उसके भाई को, क्योंकि हमने आप चारों के लिए सरप्राइज़ रखा है डॉक्टर लामा की साइड से, और हम 11 बजे आप लोगों को लेने आएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा कोई प्रोग्राम रखा है आप लोगों के लिए। मैंने कहा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए होता तो आप मुझे नहीं बोलते कि ये सरप्राइज़ है, ये उन तीनों के लिए है। नहीं 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 आपके लिए भी रखा, बस उनको रेडी करो, जो भी है। ये सब चीज़ें मेरे ऊपर डाली गई थी। जब प्रोग्राम में आया तब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक गिफ्टर हूँ आप लोगों के लिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे आई, मुझे वो चीज़ मेरे गर्दन में डाल के, वो कपड़ा जो भी था और नेम टैग मुझे दिया, थैंक यू मैंने बोला। पहले जब मैं गाड़ी से वहाँ पे निकली, सिक्योरिटी आया, इलिया को सिक्योरिटी दी, उसकी अम्मी को दी, भाई को दी, मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं भाग के चली हूँ अम्मी के साइड पे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं तो बिन बुलाए मेहमान थी वहाँ पे। तो सबसे पहले ये चीज़, मैं नौकरों की तरह पीछे, फिर भी अम्मी मेरा हाथ पकड़ के कि मुझे कुछ ना हो जाए, मेरा साथ दिया। वहाँ पहुँचे, नेम टैग दिया, अम्मी ने, एलिया की अम्मी ने बोला कि भी आपके, वो नेपाली में लिखा था, बोला कि आपके नेम टैग में अलग क्यों लिखा है।
मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नेपाली नहीं पढ़ सकती। बोला हम, मेरा इलिया का और मान का, उसके भाई का नेम टैग सेम है पर आपका अलग लिखा है, क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने उस लड़के से पूछा कि इसका नेपाली में क्या लिखा है, तो बोल रहा है आर्टिस्ट। इलिया का गेस्ट है, उसके भाई का गेस्ट है, उसकी अम्मी का गेस्ट है, क्योंकि किसी ने बोला भी नहीं कि मैं आ रही हूँ। किसी आर्टिस्ट का टैग निकाल के आके मुझे दे दिया कि चलो इस इनको पहना रहे हैं तो इनको भी पहना दे। यार वो दुनिया सबसे बड़ी बेइज्जती होती है कि आप किसी को वो चीज़ दे रहे हो जो अलग लैंग्वेज में लिखा है। मैं गस नहीं थी वहाँ पे, मैं एक नौकर थी, मैं एक गिफ्टर थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी वहाँ पे, ठीक है, कोई भी इज्जत नहीं थी मेरी वहाँ पे। मैं हर जगह पीछे थी, हर जगह मैं वहाँ पे थी। कुछ लोगों ने इज्जत दी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब ऐसे थे, कुछ लोगों ने दी ऊपर से। सुरेश, मैं आई थी आपका कॉन्सर्ट देखने, इलिया का साथ देने, आपने मेरे साथ बैठ के 5 मिनट के लिए भी बातें नहीं की कि भी फ्लाइट कैसा रहा, थैंक यू आने के लिए, एक बार थैंक यू भी आपने मुझे नहीं बोला कि चलो आप आए अच्छा लगा, चलो कुछ भी। मतलब मुझे इतना यहाँ आके इतना गंदा फील हुआ ये जान के कि मैं एक गिफ्टर हूँ आप लोगों के लिए। ये जो फैमिली 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 बोलते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक गिफ्टर हूँ आप लोगों के लिए और मैं हमेशा गिफ्टर लैंग्वेज में कुछ पहना के बोलो हम आपको इज्जत दे रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी बेइज्जती वही है। मैं कहाँ से आर्टिस्ट हो गई बताओ, मेरे नाम का गैस का टैग क्यों नहीं था? देखो बीजी, ऐसा है कि आपको पता है कि उस वक्त मैं कितना बिजी था। मैंने सबको कह दिया था, मैं दो तीन लोगों को कह दिया था आपको पिक करे, और मेरे पास दुबई का सिम भी नहीं था, है ना, और मैं इतना खींचा हुआ था इधर से उधर से, आपको पता है। मैंने दो तीन लोगों को बोल दिया था, बाकी मैंने बोला था कि सब आएंगे, 4 लोग आएंगे, उनको अच्छे से तरीके से करना, तो मैंने सब बोल दिया था। आप लोगों को पिक किया, आया, और देखो अब जो वो आपको पहना है ना, वो किसी वजह से इतना भीड़ था, आपको पता है, गलती से कुछ हुआ होगा, है ना। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, है ना, नहीं बर है, क्योंकि आपने उनको बोला नहीं कि बीबी आ रही है, मेक श्योर कि वो भी हमारा एक गेस्ट है। मैं इतने दूर से आई हूँ, 17 घंटे की फ्लाइट पे मैंने बोला है, ठीक है, सबको पता भी है। तो फिर एलिया का गेस्ट, उसकी अम्मी का और उसका भाई का, जो तीनों लोग हैं उनका गेस्ट था, तो मेरा क्यों नहीं था? और चलो चलो चलो, जो ऑर्गेनाइजर का गलती है ना, ये थोड़ी, मैंने तो आप तीनों को, आप चारों को बोला ना ऑर्गेनाइजर ने, तो वो इसका वो कर दिया। तो यार मैं आप लोगों की फैमिली से हूँ, मैं आपका गिफ्टर हूँ ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट मैंने आप लोगों को किया है, किसी और को तो नहीं किया है। अच्छा, आपको बुरा लगा इसलिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। यार माफी का बात छोड़ो, अब माफी से कुछ नहीं होगा। जो मैंने वहाँ शो पे आके जो जितना मैंने नीचा फील किया है ना, मैंने दुनिया कभी भी लाइफ में ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि मुझे पीछे, ठीक है मैं स्टार नहीं हूँ, मुझे पता है मैं आप लोगों की तरह फेमस नहीं हूँ, मुझे पता है। अगर मुझे पता होता कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्टर से कुछ ज्यादा नहीं रहूंगी तो मैं नहीं आती। मुझे लगा फैमिली 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 बोल रहे हो तो फैमिली होंगी, मैंने आप लोगों को फैमिली ही माना है। कौन सी फैमिली? ऊपर से आपने कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया, कितने बार मैंने आपको बोला, आपने बोला अपना टाइम एक्सटेंड करके थोड़ा और रुक जाओ, मैं शो में बिजी हूँ, उसके बाद हम टाइम स्पेंड करेंगे, डिनर के लिए जाएंगे, ये वो, हर बार ओ मैं बाहर जा रहा हूँ इसके साथ उसके साथ इसके साथ। तो फिर मेरे 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 रुकने का मतलब क्या था? मैं आई किसके लिए थी? ईसा जिसके लिए मैं आई नहीं थी, मैं उस ईसा से मिली उस दिन, ईसा जो मेरा कुछ नहीं लगता, जिसको मैंने शायद थोड़ी सी गिफ्टिंग की थी कभी, जो उसको याद भी नहीं है, 3 दिन से उसने अपना लाइव नहीं किया है, जो उसकी कमाई होती है
और हर रोज आके मुझे इसको मम्मी को सबके साथ सबको लेके बाहर गया है, अपने पैसों से हमें खिलाया है, पिलाया है, टैक्सी दिया है, सब दिया है। आपने मेरे लिए एक ग्लास कॉफी भी खरीदी सुरेश, आपने मुझे एक कप चाय भी पिलाई सोचो जरा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है किसी को फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो मेरे बारे में सोचना है जो है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं मुझे लगा कि मैं सच में अब मैं जो भी करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ, मैं प्यार भी दिल से करती हूँ, नफरत भी दिल से करती हूँ। नफरत नहीं है आपसे, बट जो हर्ट मैं हुई हूँ ना, आप पूरी लाइफ बैठ के सॉरी भी बोलोगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि मैं अपने मॉम को घर छोड़ के आई हूँ जो बीमार है। अपनी बहन को मैंने बोला है कि इसका ख्याल रखो, मैं अपना जॉब छोड़ के आई हूँ इतनी दूर, ठीक है। और आपसे इतना भी नहीं हुआ कि आप अपने लाइफ का 5 मिनट दे के बैठ के डिनर करो या एक एक कप चाय पिलाओ। कभी पूछा नहीं कि बी ठीक हो नहीं हो, फ्लाइट कैसा रहा, थैंक यू आने के लिए। जब मुझे लोग लाइव में हेट कमेंट दे रहे थे, आप नीचे बैठ के देख रहे थे, आपने गेस्ट में ज्वाइन करके बोला कि गाइस ये क्या बकवास है, क्यों इसको परेशान कर रहे हो, आराम से चुपके से बैठ के देख रहे थे, जबकि मैंने आप लोगों के लिए कितने लड़ाइयाँ की है, अपने लोगों से पूछ लो। मैं कितने बार लाइव जाके जब लोग आपको बुरा बोलते या उसको बोलते, मैंने कितने बार लोगों से झगड़े किए हैं, कितने गालियाँ मैं खाए हूँ, पूछो। पर आपने मेरे लिए स्टैंड लिया उस दिन, गेस्ट ज्वाइन करके अपने लोगों को बोला कि बी के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। जब मैंने आपको बोला कि रॉबिन मुझे तंग कर रहा है, रॉबिन मुझे मैसेज करके बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपका रॉबिन से कांटेक्ट है, आपने रॉबिन को कॉल करके बोला कि एक लड़की के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, गलत है। मैंने पूछो, अपने लोगों से पूछो कि मैंने कितने बार आप लोगों के लिए लड़ाई की है लोगों से। हाँ जी, मैंने कितना स्टैंड लिया है कि नहीं सुरेश के बारे में गलत मत बोलो, वो अच्छा इंसान है, नहीं एलिया के बारे में कुछ मत बोलो। और जो जलील यहाँ आके मैं हुई हूँ ना, मैं कभी लाइफ में नहीं बोलूंगी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, आपको पता है मैं यहाँ पे बिजी हूँ ऑर्गेनाइजर के वो में हूँ, है ना। मैं बिजी नहीं हूँ, मेरा जॉब भी है ना, मैं छोड़ के आई हूँ ना, आपका काम है, मेरा काम कुछ नहीं है। मैं किसके लिए आई हूँ बोलो, किसके लिए आई हूँ? हमारे लिए आए हैं। मैं बिजी थी, वो एक्सक्यूज मत बनाओ सुरेश, सॉरी। नहीं सॉरी सुनने नहीं आई हूँ मैं, मैंने इसीलिए आपको ब्लॉक किया है। जिसको मुझे हेट करना है हेट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया है, आप लोगों के लिए स्टैंड लिया है, आप लोगों के लिए हम झगड़ा किया है, मैंने मेरी तरफ से सब किया है। बट आज मुझे समझ आया और मैंने आज मुझे भी पता चला कि मेरी कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बस ना, मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने। अगर मैं कोई बहुत बड़ी स्टार होती, मेरे पास भी मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स होते, और तब मेरा ट्रीटमेंट अलग होता, ये बात मुझे पता है। बट यार मैं आप लोगों को फैमिली समझ के यहाँ आई हूँ, फैमिली के साथ कोई ऐसा नहीं करता। आपने मेरे साथ एक फोटो भी ली कि चलो भी आ जाओ, एक वीडियो बनाते हैं, एक फोटो लेते हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि सुरेश के साथ वीडियो नहीं है, फोटो नहीं है, कभी एक बार भी आपने बोला?
क्या बताऊं अब। फॉलो करना है जाके कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ना, मैं टिकटॉक पे हूँ फॉलोअर्स के लिए। आपके लोग बोल रहे हैं कि एक बार मैंने लाइफ में एक बार इनको हिस्सा के साथ मैच लगाता मजाक में, मैंने बोला है कि गाइस चलो मैं डबल टैप करके ये मैच जीता हूँ। नीचे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मत करो, हम अब नहीं करेंगे, आप नेपाल के लोगों को लूट रहे हो। मैंने नेपाल के लोगों को कैसे लूटा है बताओ ज़रा मुझे सुरेश, आप बताओ मुझे कैसे लूटा है मैंने नेपाल के लोगों को। ये किसने कहा, मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि अब हम डबल टैप नहीं करेंगे आपके लिए, आप लोग नेपाल के लोगों को लूटते हो। मैंने नेपाल के लोगों को लूटा कैसे है वो मुझे समझाओ। ऐसा नहीं है गाइस, मैंने क्या लिया मैंने थोड़ा टाइम नहीं दिया है, मैं इधर इधर हो गया। बाकी मैंने आपका डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, और ये डिसरेस्पेक्ट ही होती है सुरेश, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए है। जानबूझ के ऐसा नहीं किया है ना, अगर मैं आपको ऐसा लगा कि अगर मेरे पास भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते तो आप लोगों का मेरे साथ की कोई बात नहीं। मैं भी बिना मेरा भी कोई फॉलोअर्स नहीं था, फॉलोअर्स की कोई बात नहीं है, फॉलोअर्स की कोई बात नहीं। हाँ आपको बुरा लगा बहुत सी बातों पे, है ना, बहुत सही और भी बातें जो मैं लाइफ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकती। बहुत बुरा लगा मुझे पता है, लेकिन एक एक एक, एक चीज की तरह मैं साइड में फेंका गया हूँ, हर बार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी यार। फैमिली तो छोड़ो, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता जो मेरे साथ हुआ है यार। बी साइड हो जाओ, शो में भी आई हूँ, मैं पीछे भाग रही हूँ, कभी अम्मी का हाथ पकड़ के तो कभी किसी का आस्तीन पकड़ के मैं भाग रही हूँ। भी शो में मतलब देखो, मैं खुद खुद आप दोनों को पिकअप करने नहीं गया, यही अब गलती हो गई, ऑर्गेनाइजर को बोल दिया तो उसने क्या किया, तो फिर मुझे अब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उबर करके भी चली जाती, तब भी मैंने बोला कि कोई बात नहीं उबर करके जाएंगे, मुझे उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बिजी हो वो भी मैं समझ सकती हूँ, पर यार जो जो जलील मैं हुआ हूँ शो में भी और शो के बाहर भी आपके हाथों, एलिया को भी मैंने बोला है, सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ ये बातें। दिल से सॉरी मां चाहता हूँ, सॉरी मत बोलो, फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो अब करना है करो। आज के बाद मैं ओपनली बोलूंगी, अल्देश की फैमिली के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। जो लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, मुझे मेरे लिए प्यार करते हैं, वो लोग ऑलवेज वेलकम है। जो लोग मेरे साथ सिर्फ गिफ्टिंग की वजह से थी, अभी अनफॉलो करके जाओ, क्योंकि अब मैं कोई गिफ्टिंग नहीं करूँगी यहाँ पे। Okay. और ना ही मैं आऊंगी, क्योंकि जहाँ पे इज्जत ना होना वहाँ पे जाना देखो भी, हमने तो दिल से इज्जत की है, आपको ऐसा लगा हमने इज्जत नहीं की है, किया बताओ, हमने दिल से इज्जत किया है आपका, है ना। जो एक जो कुछ जो भी हुआ भीड़ भाड़ में वो सब कुछ ऐसा उस इधर उधर का हो गया। मुझे एक बार बताओ यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कितने दिन से हूँ, एक हफ्ते से, मुझे एक बार भी बताओ किया है ना ये किया। चलो मुझे एक चीज बताओ जो आपने किया जब भी मेरी इज्जत हुई है, एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज। 5 मिनट का भी आपने कुछ किया हो बस वो बोल दो, 5 मिनट छोड़ो, अगर 20 सेकंड का भी आपने कुछ किया हो वो बोल दो। I'm so sorry, है ना, मैं गलत हूँ, आप सही हो, एलिया सही है, मैं गलत हूँ, आप दोनों सही हो, है ना। दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप दोनों सही हो, आप लोग सही हो। मैं इधर झमेला में पड़ गया, मैं इधर का इधर हो गया। अच्छा, शो के बाद क्या हुआ? शो के बाद शो के मैं तो यही हूँ, आपके कहने पे मैंने एक्सटेंड किया है ना मेरा स्टे। मैंने भी तो एक्सटेंड किया है ना, अभी मेरे लिए किसके लिए तो मैंने एक्सटेंड किया है ना। अरे मेरा 10 का फ्लाइट था, सब लोग जा चुके हैं, मैंने एक्सटेंड किया है ना, एक्सटेंड किया है। और किसके लिए किया है? आप लोगों के लिए तो किया है। तो कहा हो, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ जी, मेरा 10 का फ्लाइट था, सब लोग जा चुके हैं। हाँ, बट मैंने तो आपको देखा नहीं है, आपने तो कोई टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो मेरे लिए कैसे हो गया बताओ।
यार क्यों बोलते हो सुरेश, जिसमें सच्चाई नहीं है वो क्यों बोल, आप बोल रहे मेरे मेरे लिए स्टैंड किया, जब मेरे लिए स्टैंड किया है तो भी देखो बातें बढ़ गई है, अभी अभी बातें बढ़ गई है ना, मैंने मेरे से थोड़ा सा आप लोगों को मैंने टाइम नहीं दिया। नहीं, आप दोनों का मसला अलग है, वो आप लोग देख लो ठीक है। मेरा मसला ये है कि मैं, अगर मुझे पता है कि आप लोगों के लिए मैं एक गिफ्टर थी, बट मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ कि मैं एक, मुझे एक फैमिली में जाता है, करवाया है भी। एक कमेंट खोला था को मॉडरेटर, क्या बोला आपने? नहीं मैं बोल रहा हूँ कमेंट को ऑन कर दो, इधर कमेंट ऑफ कर दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है हेट दो, गाली दो, जो बोलना है बोल दो, इट्स ओके इट्स ओके। देखो भी दिल से आपका रिस्पेक्ट है, हमेशा रहेगा। आपको लगा हमने रिस्पेक्ट नहीं किया है, हमने आपके लिए टाइम नहीं दिया है ना, ऐसा लगा आपको, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नो नो आई एम सो सॉरी, ऐसा मत बोलो कि आपको लगा, आप मुझे लगा आपने कोई टाइम नहीं दी, वो मुझे लगा, मुझे आर्टिस्ट का टैग दिया गया, गेस्ट का नहीं, वो मुझे लगा। मैं बार बार आपसे बोली सुरेश प्लीज डिनर पे जा सकते हैं, करने जा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं अभी हम साथ में डिनर कर रहे हैं, फलाने लोग आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, तो साथ में डिनर करना पड़ेगा, उनसे पैसे लिया है तुम्हारे, तुमको ये करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, मैं तो चाहता था कि आप लोगों के साथ ही, तो वो लोग बना रहे हो, क्यों एक्सक्यूजेस बना रहे हो, जब तक आपका शो था तब तक का मैं बात नहीं कर रही हूँ, जब तक आपका शो था ना मैंने आपको परेशान किया कि मैं मंडे को जा रही हूँ, आपने बोला नहीं आप एक्सटेंड करो, मैं शो में ने आपको बोला ठीक है शो के बाद डिनर और लाउंज पे चलते, आपने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैंने बोला कि घर जाऊंगी, मेरा भी जॉब वहां पे रुका हुआ है, मुझे भी जॉब करना पड़ता है, मुझे भी कमाना पड़ता है, कि मैं यहाँ बैठूं और पैसे अपने आप आए, ठीक है, आपने बोला नहीं 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 पक्का, हमारा डिनर का प्लान था हम सब का बाहर जाने का, मैं एलिया अम्मी सब, तो आपने बोला ओ मैं यहाँ पे बिजी, इंडिया से हो ना यार, एक बेइज्जती होती है ये सब चीजें, कि आपको आप बोलते हो कि भी हमारे फैमिली में से है ये है वो है, बट यहाँ मैं यार 5 मिनट आप नहीं दे सकते थे, 5 मिनट मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ आना है मिलने, मैं बोल रहा हूँ अभी फुर्सत में हूँ, अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है, एक्सटेंड किया होटल इधर उधर, मैं बोल रहा सुबह से बोल रहा हूँ, आप लोग आप बता नहीं रहे हो, मैं क्यों मिलूंगी अब आपसे, सुरेश जो बातें मैं लाइव पे नहीं बता सकती वो आप खुद समझ जाओ, मैं क्यों मिलूं आपसे, शायर होने के लिए, जब आपको पता है चीजें मत बोलो प्लीज, ना आप मेरे लिए यहाँ हो, ना आपने एक्सटेंड मेरे लिए किया है, आपने किसके लिए किया है, क्यों किया है, वो आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है, आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, जब भी जितने टाइम भी मैं आपसे मिली हूँ आपने मुझे साइड किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने मुझसे बात की हो, हमेशा मैंने आपसे बात की, सुरेश कैसे हो, ठीक हो सुरेश, ये हाँ बस एक वर्ड आंसर, दैट्स इट, तो एनीवेज मैं फोन उसको वापस दूंगी, आप लोगों का इतना बताऊंगी सबको कि इनका जो मसला है वो मेरे से अलग है,
मैं इसके इसको ये सब बातें इलिया की वजह से नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, ये चीज़ें मैंने देखी है और ये चीज़ मुझे आज फील समझ आ गया कि जब लोग बोलते हैं ना कि गिफ्टर, और ये लोग कमेंट में भी मुझे बोले कि एक गिफ्टर सिर्फ गिफ्टर ही होता है एक होस्ट के लिए और कुछ नहीं होता, वो आज मुझे समझ आया कि गिफ्टर गिफ्टर ही होता है, उसकी और कोई वैल्यू नहीं होती होस्ट के लिए। तो एनीवेज अपना ख्याल रखो, जो भी है जो हुआ है सो हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, लाइफ है, मूव ऑन करेंगे। बट फॉर मेरे लिए ये एक मिनट, ये लो बात करो तुम उससे, ये सब लाइफ में बोल रहे हो, पागल हो। अब बताओ आपका क्या मसला है? वॉइस नोट्स क्यों वायरल हुए हैं? हाँ जी, वॉइस नोट्स क्यों वायरल हुए हैं? क्या वॉइस नोट? मत बोलो कि आपको नहीं पता। वॉइस नोट्स क्यों वायरल हुए हैं सुरेश, मैं पूछ रही हूँ। किसका? उस लड़की का। किस? मैं नाम नहीं ले रही। उसने वॉइस नोट्स क्यों वायरल करवाए हैं? दो मिनट दो मुझे सिर्फ एक बात पूछने दो। आज तक मैंने एक मिनट रुको, पहले मुझे बताओ वॉइस नोट्स किसने वायरल करवाए? कैसा वॉइस नोट? जिसमें उसने ये बोला है कि उसकी लाइफ में, सुरेश की लाइफ में मैं ऑलरेडी हूँ और ये बीच में आ रही है, ये वॉइस नोट किसने वायरल करवाया? मुझे क्या पता। ये किसने बोला कि मैं आपके साथ हूँ? मैं आपके साथ हूँ, किसने बोला है? वॉइस नोट किसने ये बोला है, किसने ये वायरल किए हैं, ये किसने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ? अरे किस बारे में बात कर रही है, बोलो ना। तो सुरेश, आपकी लाइफ में कोई और लड़की है? झूठ मत बोलना, लाइफ पे सब चल गया है, वॉइस नोट चलवा दी। मुझे भेजो। नहीं, मतलब